सर भाई आपका स्वागत है एपिसोड न्यूज में। नमस्कार सलाम भाई। तो अब हमको पता चला आपका जनता का चुनाव लग रहा है पार्षद का, तो आपकी प्रमुख उद्देश्य क्या है यहाँ की जनता के लिए? मेरी जो है असल प्रॉब्लम जिसमें खड़ा हुआ, जिसलिए मैं कोई सवा सर नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की काम कर रहा हूँ। जनता का काम जो जनता की दिक्कतें हैं, मैं स्वयं अगर ऊपर ला मुझे चाहेगा ईश्वर भगवान जो भी करना चाहेगा, तो मैं जनता की ऐसा काम कर देंगे जो आज तक सवा सर काम नहीं कर पाऊँ। नाली हुए वगैरह, सीवर लाइन है, अच्छा की गाड़ियाँ हैं, लाइट है, ये सब चीज़ें जो मैं जो सभासद के अंडर में काम होना चाहिए, तो वो काम उससे अच्छा करते हैं। जो काम उससे नहीं हो पाए उसके लिए मैं कोशिश करेंगे काम करने के लिए। मेयर से मिलेंगे, विधायक से मिलेंगे, किसी पार्टी का हो विधायक उससे मिल के अपना काम कराएंगे भाई। अपने वार्ड को फजुल्लागंज वार्ड, जहाँ तक मेरा वार्ड आ रहा है, जहाँ से अगर मुझे नहीं जीता होगा मैं वहाँ भी काम करूँगा। ये नहीं लोग कहते हैं वहाँ से मुझे वोट नहीं मिले वहाँ मैं काम नहीं करूँ, नहीं स्वयं मैं वहाँ से बैठा काम करूँ, इसलिए मैं काम करूँगा स्वयं। क्यों? मेरे वार्ड के लोग जैसे एक गार्डन होता है, बाप पांच लड़के होते हैं, अगर उनका एक लड़का नहीं मानता तो उसको फॉलो उतना करते हैं, हिस्सा उतने से उसको मिलता है। ऐसे मेरा भी दिल चाहता है अगर जहाँ से मुझे वार्ड नहीं मिली हो तो वहाँ भी काम करते हो, इस बार नहीं तो अगली बार मुझे लोग दिखाएंगे। ये मुझे मेरा बहुत ही आप लोग से पब्लिक से मेरा बहुत ही दिल से मेरा वो है, मैं आगे एक बार मुझे मौका दीजिए। तो फजुल्लागंज वार्ड में जब आप घूमते हैं, जब आप यहाँ के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको पता होगा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ की प्रमुख दुश्वारियाँ आपको लगता है कि क्या दुश्वारियाँ चल रही हैं? जी यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आती है, लोग मैं जाता हूँ तो कभी कभी ऐसे लोगों ने मुझे हटाया, आप भी आएंगे, आप भी ऐसे करेंगे, वादा करके चले जाएंगे, काम नहीं करेंगे। हमने कहा माता जी मैं लिखवा लीजिए, मैं वैसा नहीं व्यक्ति हूँ, मैं एक बार मौका दीजिए, मैं भी जमीनी आदमी, मैं कोई पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, मेरा दिल चाहा मैं चुनाव लड़ूँ, मैं लोगों की खिदमत करूँ। तो आंटी ने भी कहा मैं अच्छे से आपको काम करूँ, मैं आप ही को सपोर्ट करूँगा। पब्लिक ने मुझे फिर वादा भी दिया, कह रहे मैं आपको वोट दूँगा, जैसे भी चाहे जो टिकट लेके आएंगे मैं आपको जीताऊँगा आराम से। तो जैसा कि आप कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन जीत चुका हूँ, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर आपको क्या लगता है कितना? यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो कोई ज़्यादा इतना वो नहीं, मगर है इस टाइम जो है पब्लिक चाह रही कांग्रेस से, हमारे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, उस हिसाब से कांग्रेस की एक हवा चली है और ये हवा आने वाली इंशाल्लाह कामयाबी होगी, ऐसे मुझे भी लगता है, मुझे भी कामयाबी मिलेगी। इस हवा में काफ़ी लोग जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, जो कांग्रेस की पार्टी है, इससे आने वाले वक्त में पार्टी का नाम खत्म हो चुका है, अब फिर से कुछ पब्लिक जो है नाम ले रही कांग्रेस पार्टी की। आप ऐसा क्या करना चाहेंगे या आप ऐसे क्या कहना चाहते हैं अपने बारे में कि जनता आपको? मैं अपने बारे में ये कहता हूँ, मुझे एक बार मौका दीजिए, एक बार, पाँच साल मांग रहे, मैं 25 साल नहीं मांग रहा, सिर्फ 5 साल, एक बार मौका दीजिए, मैं सोम जो काम है सभासद के अंदर वो अच्छे से अच्छा काम कर, जो सभासद आज तक काम 25 साल तक नहीं कर पाए वो काम मैं 5 साल में इंशाल्लाह ईश्वर की दुआ रहेगी मैं करके दिखाऊंगा काम। दो बातें और, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर फजुल्लागंज वार्ड में जी पानी का कनेक्शन नहीं है, हाँ यहाँ टंकी है मगर पानी का कनेक्शन नहीं, यहाँ पे जो है पानी कुछ वार्ड में जैसे पुरवा है, जो मिलन नगर ढाल में पानी नहीं है, कुछ लोग कॉलोनी में पानी नहीं है, शमकबी नगर में पानी नहीं है, शाम बिहार में पानी नहीं है, ICG का बोरिंगें चल रही है, बाकी कुछ वार्डों में पानी आ रहा है, बाकी बहुत वार्ड आधे वार्ड में पानी आ रहा है, आधे वार्ड में पानी नहीं आ रहा है, इसकी समस्या भी हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। ऊपर वाले से ज़्यादा है नाली, हाँ नाली रोड जो प्रॉब्लम होती है, हम आशा करते हैं कि आप जीत कर आए और जनता के लिए अच्छा कार्य करें। बहुत बहुत शुक्रिया।